साथियों, जब नीयत साफ होती है तभी फैसले लिए जाते हैं, तभी सही विकास हो पाता है। 21वीं सदी में दिल्ली का विकास और तेज गति से हो, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट के आधुनिक साधनों का विस्तार हो, आधुनिक शिक्षा व्यवस्थाएं हो, दिल्ली सुरक्षित हो, दिल्ली समृद्ध हो, यही हमारी प्राथमिकता है। साथियों, शनिवार को जो बजट आया है वो इस साल के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे दशक को दिशा देने वाला है। इस बजट का लाभ दिल्ली के नौजवानों, दिल्ली के व्यापारियों, यहां के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्य वर्ग को, गरीब परिवारों को, यहां की महिलाओं को, इन सबको लाभ पहुंचाने वाला ये बजट है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और ये सभी दिल्ली के विकास और रोजगार के नए अवसर बनाने से सीधे जुड़े हुए क्षेत्र हैं। साथियों, बजट में युवाओं के रोजगार से जुड़े एक बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया है। ये रिफॉर्म है नॉन गैजेटेड सरकारी नौकरियों में अलग अलग एग्जाम की परेशानी से अब युवाओं को मुक्ति दिलाने का काम। केंद्र सरकार की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने से करप्शन पर चोट हुई। अब इस नए कदम से युवाओं की बहुत बड़ी टेंशन समाप्त होगी। साथियों, अभी तक सरकार की ग्रुप बी और सी की जितनी भी भर्तियां निकलती है उनके लिए अलग अलग एग्जाम देने पड़ते हैं और यहां दिल्ली में तो अनेक ऐसे इलाके हैं जहां देश भर से आए अनेक युवा अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग लेते हैं। स्टूडेंट्स भी तनाव में, मां बाप को भी टेंशन, ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है। भाइयों और बहनों, अब एक ही कॉमन ऑनलाइन एग्जाम से ही एक भी परीक्षा ली जाएगी और उसके आधार पर ही अलग अलग सेवाओं में जाने का रास्ता खुलेगा। रेलवे में जाना है, बैंक में जाना है, सरकारी किसी व्यवस्था में जाना है, एक ही व्यवस्था से रास्ते खुल जाएंगे। इसी व्यवस्था के देखरेख के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जा रहा है।